महाराष्ट्र में पहली बार कोई मंत्री जेल के अंदर है फिर भी उनका इस्तीफा नहीं लिया गया, ये अप्रत्याशित है। वो जेल में गए हैं कोई छोटे मोटे आरोप में नहीं, तो सीधे दाऊद के परिवार के साथ साठगांठ का आरोप है, दाऊद के परिवार से व्यवहार का आरोप है। मुंबई बम विस्फोट के आरोपी जिन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है, ऐसे आरोपी से जमीन खरीदी और जो जमीन किसी तीसरे की, उनको एक पैसा नहीं मिला है। और ये सारे व्यवहार में उन पर दबाव लाने के लिए 55 लाख रुपए ये हसीना पारकर को दिए। इस प्रकार की सारी चीजें रिमांड एप्लीकेशन में हमने देखी है और ये मामूली बात नहीं है। उनको रिमांड देते हुए जज ने, ये प्राइमा फेसी केस है, इस प्रकार से अपने रिमांड के जजमेंट में भी लिखा हुआ है और रिमांड अलाउ किया है। ऐसे समय नवाब मलिक इनका इस्तीफा सरकार क्यों नहीं लेना चाहती? ये दाऊद समर्पित सरकार है, ये दाऊद शरण सरकार है, ये सरकार दाऊद के साथ जो रिश्तेदारी रखते हैं उनको बचाने के लिए एक आ रही है। इसीलिए हमने इसका विरोध शुरू किया है और हमारी मांग है कि तुरंत नवाब मलिक इनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। इससे पहले संजय राठौड़ इनके ऊपर आरोप लगे तो उनका इस्तीफा लिया गया, नैतिकता के आधार पर लिया गया। अनिल देशमुख ये जेल में जाने से पहले उनका इस्तीफा लिया गया और अब कोर्ट ने रिमांड देने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी के दबाव में ये सरकार काम कर रही है। ये किसका दबाव है? दाऊद के आदमी को बचाने के लिए, दाऊद से व्यवहार करने वालों को बचाने के लिए किसका दबाव सरकार के ऊपर है? ये सवाल हम करना चाहते हैं और हमारी मांग है उनका इस्तीफा तुरंत लिया जाना चाहिए। जब आपके विधायक नारेबाजी कर रहे नवाब मलिक के मुद्दे पर, तब मुख्यमंत्री लगातार चुप थे, एक तरह से बुत बनकर बैठे थे, उस पर आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री चुप्पी छोड़े, यही तो हमारी मांग है। दाऊद के साथ उनके मंत्री की साठगांठ सामने आने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री चुप्पी साध कर बैठेंगे तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, सरकार चलाने के लिए कौन से स्तर का कॉम्प्रोमाइज आप करना चाहते हो? ये भी जवाब मिलना चाहिए। सरकार के मंत्री जिस तरीके से राज्यपाल के खिलाफ सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्यपाल को कह रहे हैं संविधान का अपमान किया, इसको देखिए, सच तो ये है कि राज्यपाल जिस समय राष्ट्रगान की शुरुआत करना चाहते थे तभी यही लोग नारेबाजी कर रहे थे। 3 बार राज्यपाल जी ने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं राष्ट्रगान करना चाहता हूँ, तभी ये लोग नारेबाजी उस समय कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से राज्यपाल का अपमान करना ये इस आघाड़ी सरकार ने तय करके रखा। 4 महीने बाकी है संजय पांडे की पुलिस कमिश्नर पद पर जो नियुक्ति की गई है उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने नियुक्ति की है, अभी इसके ऊपर ज्यादा बोलने का कारण नहीं है। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, उसके हमारा ध्यान है, हमारी नजर है, चिंता मत करिए। देखिए, ये बहुत दुर्दैवी है। सरकार ने पिछले 1.5-2 साल में केवल समय गवाया है। सांगली में 10 गांवों ने 4-5 दिन में, 6 दिनों में इंपेरिकल डाटा तैयार करके दिखा दिया कि कितना आसान है ये तैयार करना। बावजूद उसके सरकार की ओर से केवल समय काटने का काम चल रहा है। हमारी सीधी मांग है, जब तक ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण का निर्णय नहीं होता तब तक महाराष्ट्र में कोई भी स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं होने चाहिए।